मम्मी नू पहले चेक कराया मम्मी ठीक है मिठा मुठा सारा कुछ पोली है ना हाँ मम्मी कहें बहुत पोली है बहुत वधी है ना थोनू रख लांगे ठीक है जी बरीक ले आंदा है ना लो वाहेगुरु जी ये होगी हूँ फुल तैयारी ये देखो बहुत सोहनी बनी ने हेलो तुम नेड़े तो दिखाइए हेलो लो जी हूँ असी डब्बा भर लाँगे भर जाने लो वाहेगुरु जी ये हूँ साड़ी फुल तैयारी है जान दी ठीक है जी इनू कर दिए बंद डब्बे नू वाहेगुरु जी ए असी बेसन की बर्फी बनाउन लगे हाँ इहदे लई असी ने घिओ लिया एक किलो तो एक किलो ही बेसन तो किलो ही चीनी लई है ओदी चाशनी बनाउन वास्ते हाँ हाँ ता ही किलो बनूगा वो च आ नहीं रहा सी ना डोंगे च लो जी हुण इहनू आपां चंगी तरह भुन लाँगे इस खुशबू आने लग जानी है वाहेगुरु जी इनू मीडियम फ्लेम च आप सिम ते 10 मिनट पकावांगे बेसन वाहेगुरू जी नहीं तो असी दुपहरे बना लेने सी बेसन दे बर्फी पहला लड्डू की सलाह सी फिर असी क्या चलो बर्फी बनाने ये फिर दीदी उन्हों का जो फोन आया अचानक प्लैनिंग जी बन गई तो हूँ सारा होर साडा काम निबड़ गया बाबा जी लागे इधर कल्ला प्रशादा रहिंदा ते असी उन्हां वास्ते ये जड़ी तैयारी कर लागे घर दी बड़ी बर्फी लेके जावांगे ते कोना ने डिमांड करी सी बौली दी ओह फिर कल्ली बौली भी नहीं ले जा सकदे नाल कोई मठियाई चाहिंदी है हुण जिवें पता ही है थोनू बाहर दी चीज़ तां की खरीदनी खानी है घर दी बनाइए
वाहिगुरु जी, ये साडा बेसन बन के भुज के तैयार है। हुण चाशनी बनाउण लगे हां। एक गिलास पानी दा पाया, एक किलो चीनी बनावांगे इहनू चाशनी नू। वाहिगुरू जी, ये असी लेट तां हो गए, नेरा तां हो गया। पहला उन्हां वास्ते बोली दियां हो जिहड़े असी पहला लड्डू पेड़े बनाए सीगे उह बनाउण लग गए। तो फिर चलो जाना है तो एक चीज़ जी वधिया नहीं लगती, मुल दा कुछ खरीद नहीं सकते। फिर ये कर लिया अपना, इहदी तैयारी खिंच ली बर्फी की। वाहिगुरू जी, चाशनी अपनी बनने वाली है। तो इधर अपना बेसन तैयार है बन के। वाहिगुरू जी, साड़ी चाशनी बन के तैयार है। तो असी इनू हुण बेसन च मिक्स कर लगे। हाँ जी, रख दो लिया के बाहर ही। खुशबू तो सोहनी आ रही है। वाहिगुरू जी, वो साढ़े मम्मी बैठे ने, वो गूगल का काम करते ने। जे असी कितों कुछ भूल जाने या सानू समझ नहीं लगती फिर वो दस देंगे ने। हुण पता है उन्हां नूं, पहला चाशनी देख के गए ने भी अज यह लेट हो गई। तो कहिंदे एक प्रांत च पानी च बर्फ पा के उहदे च इहनूं फिर जमण वास्ते रख दिओ। थोड़ी बर्फी छेती ठंडी हो के कट्टी जाऊगी। साडा होर आटा उटा गुन्निया पिया, दाल सब्जी दुध नूं वाली आई हुई है, प्रशादा रहिंदा। हाँ हाँ ठीक है जी। वाहिगुरू जी, मम्मी भी कोई जरूरी हुई है जिहड़ा लगे पए ने। तो इधर सानू नेरा हो गया अज। वैसे साडा 8 बजे रोटी का निबड़ जाता है, अज 8 बज गए हले, हुण शुरू करनी है असीं नहीं, बस कल्ला प्रशादा ही रहिंदा। लिया वा चक्के मिलो जी, नेड़े तो दिखावा। बहुत सोहना बिल्कुल बन के तैयार है। ये लो जी, दो थालां च पा देंगे। उहदे विच नहीं डुबू मेरे पाने, नहीं उत्थे डाइनिंग टेबल ते रख देने पखे हेठां। दीदी कहीं एसी च रख दें, नहीं पानी ना बह जाए। पानी कट कर देंगे, कट देते पानी दो च पै जाए बस। फिर प्रांत च तो वधिया बर्फ ही नहीं कट्टी जानी सी, थाल च वधिया हो जाती है कटिंग। ਚੱਕਦੇ ਇਹ ਦੂਈ ਚ ਰੱਖਦੇ
ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਂਗਾ ਇੰਨੀ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਹਾਂ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਫੀ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਜਮ ਜਾਣਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਵਰਤਾ ਬੜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੇਸਟੀ ਵਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਬਰਫੀ ਕੱਟੀਏ ਜਾਣ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੰਮ ਗਈ ਰਾਤ ਵਿੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਮ ਕੁਕਿੰਗ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ